ग्राफिक डिजाइन को समझने के लिए यह जरूरी है कि पहले हम डिज़ाइन को समझने की कोशिश करें फ्रेडिज अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि आप लोगों के ख्याल में डिज़ाइन एक्चुअली क्या है जी हाँ मुझे मालूम है इस वक्त डिज़ाइन को लेके आप लोगों के माइंड में बहुत सारे मुख्त ख्याल आ रहे होंगे एक्सपर्ट्स भी डिज़ाइन को बहुत सारी मुख्तलफ़ डेफिनेशनस के थ्रू एक्सप्लेन और डिफाइन करते हैं चलें आए कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन के बारे में पाए जाने वाली मुख्तलफ़ डेफिनेशनस की मदद से डिज़ाइन को जानने की कोशिश करें दोस्तों डिज़ाइन के बारे में जो डेफिनेशन हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं वो ये है कि डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी प्रॉब्लम चाहे छोटा सा हो या बहुत बड़ा सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो उसका एक्चुअल सॉल्यूशन डिज़ाइन के अंदर ही कहीं पे छुपा हुआ होता है मिसाल के तौर पे इस वक्त मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम है मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ और बैठना चाहता हूँ ताकि मैं आराम से आप लोगों से बात कर सकूँ जी हाँ आप लोग देख सकते हैं मेरे पास मेरे इस प्रॉब्लम का सोलूशन मौजूद है ये चेयर जो कि काम आती है बैठने के लिए जिस पे बैठ के आप आराम से सुकून से कंफर्टेबली कुछ भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये मालूम हुआ कि यह चेयर एक डिज़ाइन है डिज़ाइन के बारे में और भी बहुत सारी डेफिनेशन जो हैं वो कही और सुनी जाती हैं जिसमें से लोग ये भी कहते हैं कि डिज़ाइन एक ऐसा मैप है कोई भी ऐसी ड्राइंग है या कोई भी ऐसा प्लान है जो किसी भी चीज़ की शक्लो सूरत को वाजे करे और उसके पर्पस को डिफ़ाइन करे जी हाँ इसको भी डिज़ाइन कहा जा सकता है दोस्तों इसी तरह डिज़ाइन के बारे में हम ये भी सुनते हैं कि किसी भी आइडिया को या किसी भी थॉट को विजुअल की फॉर्म में प्रेजेंट करना डिज़ाइन कहलाता है लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये है कि आइडियाज़ को तो आर्टिस्ट पेंटर्स स्कल्प्टर्स और पोइट्स भी विजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो फिर आखिर एक आर्ट पीस में और एक डिज़ाइन में बेसिक डिफरेंस क्या है आइए अब हम चलते हैं डिज़ाइन की एक ऐसी सिंपल और बहुत ही आसान सी डेफिनेशन की तरफ जिसको सुनने और समझने के बाद आपको बा आसानी समझ में आ जाएगा कि डिज़ाइन एक्चुअली क्या है तो सो डिज़ाइन किसी भी एलिमेंट्स की एक ऐसी अरेंजमेंट का नाम है जो किसी ख़ास पर्पस या फंक्शन को फुलफ़िल करे और उसकी एक जाहरी शक्ल भी होनी चाहिए दोबारा मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा इस चेयर की तरफ इस चेयर का मकसद या इसका फंक्शन ये है कि उसके ऊपर आराम से कंफर्टेबली बैठा जा सकता है और दूसरी तरफ इसकी ज़ाहरी सूरत भी देखने में अच्छी है दोस्तों एरोप्लेन जिसके थ्रू हम हवाई सफ़र करते हैं और वो एक वक्त में तीन साढ़े तीन सौ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए काम आता है चाहे इतनी बड़ी चीज़ हो या सिलाई में काम आने वाली छोटी सी सुई हो ये तमाम की तमाम चीज़ें डिज़ाइन का ही है हिस्सा हैं और इनको किसी न किसी डिज़ाइनर ने कहीं ना कहीं डिज़ाइन किया है अगर हम अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में नज़र दौड़ाएँ और अपनी नेचर से सीखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि हमारी नेचर डिज़ाइन से भरी पड़ी है सूरज चांद सितारे फूल दरख्त ये तमाम की तमाम चीज़ें डिज़ाइन ही तो हैं अगर हम खुद अपने आप की तरफ देखें हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी एक दुनिया का बेहतरीन डिज़ाइन है इवन के हमारी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम बॉडी ऑर्गन्स इट्स अपने अंदर मुकम्मल डिज़ाइन की हैसियत रखते हैं मिसाल के तौर पे, हमारी आँख को डिज़ाइन किया गया है देखने के लिए हमारे ईयर्स को डिज़ाइन किया गया है सुनने के लिए और हमारे नोज़ को डिज़ाइन किया गया है स्मेल करने के लिए दोस्तों गौर करें तो पता चलता है इन तमाम चीज़ों का अपना एक डेफ़िनेट फंक्शन है ये तमाम चीज़ें कोई ख़ास स्पेसिफिक पर्पस फ़ुलफ़िल करती हैं ये तो हो गया डिज़ाइन के हवाले से कि डिज़ाइन एक्चुअली है क्या चले अब हम देखते हैं कि डिज़ाइन के अंदर वो कौन सी ख़ास फील्ड्स हैं जिनके अंदर डिज़ाइनर्स काम करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों अगर हम गौर करें तो डिज़ाइन के जितनी भी फील्ड्स हैं उन तमाम ही तमाम का कोई एक फंक्शन या पर्पस है मिसाल के तौर पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है वो बिल्डिंग क्या करती है शेल्टर प्रोवाइड करती है तो शेल्टर प्रोवाइड करना आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का पर्पस है इसी तरह से फ़ैशन डिज़ाइनर या टेक्सटाइल डिज़ाइनर कपड़े को डिज़ाइन करता है और कपड़ा बॉडी को कवर करने के काम आता है इसके अलावा प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर जैसे मैंने अभी आपको इस चेयर की एग्जाम्पल दी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं चाहे वो हमारे घर में या हमारे दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हों तमाम चीज़ों का कोई ना कोई डेफिनेट फंक्शन है ट्रेनिज मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तमाम गुफ्तु को सुनने के बाद अब आप लोगों को एटलीस्ट ये तो समझ में आ चुका होगा कि डिज़ाइन क्या है और इसकी मुख्तलिफ फील्ड्स का पर्पस क्या है